हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरोही सिंह। आप सभी लोगों की छठ महापर्व की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। सो यहाँ पे पूरा मार्केट लगा हुआ है छठ पूजा का, और ये मेरे घर के पास ही लगा हुआ है। आप लोग पीछे जो पार्क देख रहे हो ना, यहाँ पे बहुत बड़ा घाट लगता है छठ मैया का हर साल, और यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से छठ पूजा मनाया जाता है। और ये पूरा मार्केट एरिया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ना रश भी हो रखा था। और आज है मेरा शूट, सो सबसे पहले आज मैं निकल गई हूँ शूट पे। और गाइस, मेरे लिए ना थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज मेरा जो कॉल टाइम था ना वो 11 बजे का था, और मुझे शादरा जाना था अपने शूट के लिए। सो यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी उठी, मतलब मैं 8:30 बजे उठ गई थी। सो मुझे बहुत तेज़ ना नींद आ रही थी, मेरा मन कर रहा था ना कि मैं सो जाऊँ। आप लोग देख सकते हो, मतलब मेरा फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ, आरोही को नींद आ रही है। थोड़ा सा मैं नाटक कर रही थी, थोड़ा सा मैं स्टाइल मार रही थी, थोड़ा सा मैं शर्मा रही थी, मतलब मिक्स इमोशंस चल रहे थे मेरे अंदर। और लोकेशन थोड़ी सी दूर थी, सो मुझे लग रहा था कि यार बस मैं फटाफट से पहुंच जाऊं, जल्दी से मैं पहुंच जाऊं, बस ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। और गाइस, आज वाला शूट भी मेरा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, आप लोग धीरे धीरे व्लॉग में देखना। और यहाँ मैं फाइनली पहुँच गई हूँ शूट पे। सो सबसे पहले मैंने अपना कॉस्ट्यूम चेंज किया था, एंड देन फेस वॉश मैंने पहले करा था, देन मैंने कॉस्ट्यूम चेंज करा। एंड यहाँ पे मैं अपना हेयर स्टाइल बनवा रही थी, बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बना था, बट मेकअप मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बहुत देर तक तो मिरर ही नहीं देखा था, ऐसा मे बी फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा कि मैं मिरर नहीं देख रही थी। बट इतना सुंदर मेकअप हुआ था ना, अभी आप लोग धीरे धीरे व्लॉग में देखना, यहाँ पे कुछ अभी समझ नहीं आएगा आपको। मेरा ना बिल्कुल एकदम मुझे डॉल सा बना दिया था, बहुत ही सुंदर मेकअप करा था, मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, लिटरली बहुत प्यारा मेकअप किया था, आप लोग देख सकते हो। और मैंने बहुत देर तक मिरर नहीं देखा, फाइनल लुक होने वाला था जब जाके मैंने मिरर देखा था। और यहाँ पे ना मतलब सब कुछ बहुत परफेक्ट था। अभी आप लोग व्लॉग में बने रहना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो गाइज, मेरा मेकअप फाइनली डन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर मेकअप करा है, पहचान ही नहीं पाई कि ये मैं हूँ, इतनी सुंदर लगूंगी। और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहना है। वैसे तो मैंने रील्स बनाई हैं बहुत सारी, तो आप लोग जाना जाके देखना, और किसने मेरा मेकअप करा है वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी आईडी का लिंक शेयर कर दूँगी। प्लस मैं कोलैब तो हो गई रील में, वो तो आप लोग देख ही लोगे। फुल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज, आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना हुआ है, और इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपने रील में, क्योंकि हमें ये दे रखा था साइड में लगा हुआ, तो यूज़ करना हमारा बनता है। और हमने प्यारे प्यारे से बैंगल्स पहने हैं, एंड सिंपल सोबर सा नेकलेस पहना है, एयररिंग्स पहना है, और हेयर स्टाइल आप लोग बताना कैसा लगा। शुरुआत पर ये मुझे टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, बट येस एक्चुअल में आफ्टर मेकअप ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मेकअप की तो मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम, मेकअप बहुत सुंदर है। सो गाइज, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ, सो हैप्पी छठ पूजा आप सभी लोगों को। और यहाँ मैंने लगाया है अपने फेस पे सिल्वर मास्क, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने कौन सा मास्क लगाया। बिल्कुल इंस्टेंट ग्लो था ये फेस पे, सो ये बहुत ही प्यारा मास्क था, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ गाइज, मैं जा रही हूँ आदिति के घर। इस बार छठ पूजा हमारे घर पे नहीं हो रही, जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन गाइज, पता क्या है, मैं ना यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा मुंह थोड़ा सा उदास है। पता है क्यों उदास है? पहली बात तो कैब बुक नहीं हो रही थी, मैं बहुत देर से कैब बुक करने की कोशिश कर रही थी। प्लस मैं अपने चौक पे गई तो वहाँ मुझे कोई ऑटो नहीं मिला मेट्रो स्टेशन तक छोड़ने का भी। मुझे लगा कि चलो मैं मेट्रो स्टेशन से ना कैब वगैरह कर लूँगी, लेकिन मुझे कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे जाके। और मेरा इतना ज़्यादा मूड स्पॉइल हो गया, मतलब मेरे 20-25 मिनट वैसे ही ख़राब हुए। फिर मैंने कैब करा तो कैब बहुत मुश्किल से बुक हुई। कैब बुक होने के बाद फिर कैब वाले ने खुद से कैंसिल कर दिया जाम की वजह से, तो मूड बहुत ख़राब। फिर बहुत मुश्किल से जब मुझे मेट्रो स्टेशन का ऑटो मिला, तो पता चला जाके कि जो मैंने आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो मार्केट देखी, उस मार्केट में लोग बहुत ही प्रसाद लेने आ रखे थे, बहुत सारे लोग। उस मार्केट की वजह से पूरा जाम, पूरा भीड़ ही भीड़ हो रखा था, तो वहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ। बस किसी भी तरीके से मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची, वहाँ जाके फिर कैब बुक करी, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम। फिर मैंने वहाँ से ऑटो बुक करा, और ऑटो बुक करने के बाद फिर मैं सीधे आदिति के घर के पास उतरी। फिर जब मैं आदिति से मिली, सबसे मिली, तो फिर जाके मेरा थोड़ा सा मतलब मैं नॉर्मल हुई।
तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, फिर रेडी भी होना था, वहाँ भी जाना था, फिर सबको निकलना भी था टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मतलब मेरी वजह से सब लोगों को लेट ना हो जाए, बस मेरे को ये लग रहा था। बट फाइनली मैं सही टाइम पर पहुँच गई। क्यों अभी थोड़ा मूड ओके हुआ है मेरा? गाइस हम फिर से सेम हो गए, फोटोज में सेम ही आने वाला। तो अब हम जा रहे हैं घाट पे और इस बार मेरी जो छठ पूजा है वो आदि दीदी के घर पर है, बिकॉज आप लोगों को पता है सारी चीज़ें। यानी अच्छा लग रहा है, अब हम वहीं जाके दिखाएंगे। हाँ सो गाइस ये यहाँ का घाट है और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बहुत तेज गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट का क्लेम लग जाएगा। ये मेरी पहली छठ पूजा है कि मतलब मैं अपनी फैमिली से दूर मना रही हूँ जाके, और बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सब लोगों के साथ, एकदम लग ही नहीं रहा था कि मतलब मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ या मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। मुझे एकदम घर वाला फील आ रहा था, घर वाली वाइब आ रही थी, और थोड़ा बहुत मिस मैं अपने घर वालों को कर रही थी। जब उन लोगों ने स्टेटस लगाया, मैंने उन लोगों का स्टेटस देखा तो थोड़ा बहुत मैं उन्हें थोड़ा बहुत क्या मैंने मिस कर रही थी। यार पता है क्या होता है, याद तो आती है बट यहाँ पे मुझे कोई फील नहीं होने दे रहा था, बट फिर भी मुझे थोड़ी बहुत याद आ रही थी। सब लोग बहुत ही स्वीट हैं, मतलब इनके घर में आदित्य के घर में सब लोग बहुत स्वीट हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम गई, फर्स्ट टाइम जाके मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरा घाट कितना सुंदर सजा है। पता है हम बिहारियों के लिए ना ये सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है। इसका ना बिल्कुल फील ही अलग होता है इस फेस्टिवल का। ये एक इमोशन है हमारे, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब हम वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। बस बहुत ही अच्छा वाइब आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और साथ में तो खैर हम दोनों हमेशा मस्ती करते हैं और कभी बोर नहीं होते एक साथ, और हमें छठ पूजा एक साथ सेलिब्रेट करने का छठ माँ ने मौका दिया है तो इस मौके को हम क्यों जाने दें। सो गाइस यहाँ पे शाम के अर्घ देने का टाइम हो चुका था, सो यहाँ पे आदिति के पापा जी मम्मी को अर्घ दिलवा रहे थे। सो यहाँ पे मैंने भी अर्घ दिया था, शाम वाला अर्घ भी दिया था और सुबह वाला अर्घ भी दिया था मैंने। शाम वाला अर्घ मैंने और पापा जी ने दिया था, सुबह वाला अर्घ दीदी ने और आदिति ने, पापा जी ने और मैंने दिया था। सो आप लोग देखना व्लॉग में कंटिन्यू, और प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स कर दे। आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हाय गाइज, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। खाना खाने के बाद भी ऐसा हो रहा था कि नहीं थोड़ा बाहर जाके कुछ हो रही थी, हम कुछ खाने जा रहे हैं और गाइस बहुत ठंड हो रही है, हमें कुछ पहना भी नहीं, ठंड लग रही है। मैंने तो फुल स्लीव्स पहनी बट मैडम ने कट स्लीव्स पहने, साड़ी मारने के लिए ये पहन रखे, फिर मैंने चुन्नी ले रखी है ऐसे करके। और ये व्लॉग बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, थंबनेल से आपको पता ही लग जाएगा कि हम कहाँ आए हैं छठ पूजा मनाने। देखने से हाँ जी हमारे नंबर यहाँ 120 आप लोग देख सकते हो, अच्छा लग रहा है। बट ऐसे कैसे लेके जाएंगे, उसको पैक कराओ ना, इसे भी पैक कर दो ना, लेके कैसे जाएंगे। गाइज ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी, ये हमारा बर्गर, भूल जाना है। तो गाइज ये हमारा बर्गर, ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी पैक्ड, और ये आदिती अरे आज इतना। सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं 5:30 सुबह के, अब आदिति और हम उठ चुके हैं, मैंने चाय पी ली, आदिति अपनी चाय पी रही है। और गाइस आप लोगों को पता है मैं आदिति के घर पर आज रुकी हुई हूँ, बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज है ये, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कैसे स्टे करा है मेरे घर पे, मैं आई घर पे पहली बार हूँ इतने टाइम बाद, है ना। उस दिन आदिति आई थी और आज मैं आई हूँ,
सिंघाड़े छिलो खाओगे? नहीं, सुबह सुबह सर्दी लग जाएगी, ठंडे होते हैं ये। मिठाई दूँ? नहीं, अब कुछ नहीं। तो मैंने अभी चाय पी और दो बिस्किट खाया, बिकॉज मैं फीकी चाय नहीं पी पाती, मतलब कुछ ना कुछ मुझे चाहिए चाय के साथ। और अभी हमने अपना सारा निकाला है, मेकअप वेकअप हम करेंगे, और मम्मी और दीदी घाट पे जा चुके हैं, सो अब हमारी बारी है घाट पे जाने की। और 5:30 बज रहे हैं, वो लोग आई थिंक 4 बजे के आसपास गए थे, और हम लोग अब जाएंगे। सो मैंने अपना तामझाम निकाल के सामने रखा हुआ है, बस अब मेकअप वेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने याद आई थी कि नाइट ड्रेस पहनी, मैं नाइट ड्रेस लेके नहीं आई थी, मुझे पता था रही थी मेरा साइज सेम है, सो मैंने कहा दी थी लाओ अब मेरा नाइट ड्रेस दो मुझे, फिर मैंने नाइट ड्रेस पहन रखा है ये, और शॉर्ट्स पहने हैं। घर में कोई था ही नहीं, तो मैंने बस दीदी मम्मी और हम लोग थे, तो मैंने यही पहन लिया। तो चलो अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, पूजा करने के बाद ना घाट से आने के बाद सबसे पहले जाते हैं मंदिर, क्योंकि लोटे में जल होता है, उस जल को हमें मंदिर में चढ़ाना होता है। सो इसीलिए हम लोग मंदिर में आ गए, और मंदिर में आने के बाद यस, हम अपने संस्कार कैसे भूल सकते हैं, अपने अपने सर पे हमने संस्कारियों की तरह, मतलब संस्कारी लड़की की तरह हमने चुन्नी रख ली है, और हम कुछ यहाँ पे पर्सनल बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा है। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे, और अभी मैं नीचे बैठी हुई थी, सब लोगों से बात कर रही थी, और ये मेरे को धागा दिया दीदी की मम्मा ने, अच्छा लग रहा है, मैंने पहन लिया गले में, मतलब गले में पहनने के लिए दिया था तो मैंने गले में पहन लिया। और गाइस, जो सूट मैंने पहन रखा था ना, वो सूट मुझ में इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था, इतना ज़्यादा टाइट हो रहा था, मुझे सांस नहीं लिया जा रहा था। फिर मैंने ये दीदी की ड्रेस पहनी, अब मैं उसकी ड्रेस पहन कर ही आ गई घर पर, अब उसको कल वॉश करके दूँगी मैं। और गाइस, पता है सुबह भी मैंने इतनी मुश्किल से पहना, और मेरे साइज का सिला था वो पूरा, पता नहीं वो इतना टाइट कैसे होने लगी, आ ही नहीं रहा था, बस थक गई मैं, और इतना ज़्यादा खा रखा है ना कि पेट एकदम टाइट हो रखा है। और मम्मी ने प्रसाद भी इतना सारा भर भर के दिया है, घर में बहुत सारा प्रसाद हो गया है। तो चलो गाइस, आई होप आपने मेरा ये व्लॉग बहुत इंजॉय करा होगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग है, बहुत ही प्यारा व्लॉग है, आप लोग देखें, बहुत सारा प्यार दें, जब तक के लिए बाय।